हेलो गाइस, तो सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश होने के बाद मेरे गार्डन में कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि ये है पिंक वेराइटी सेबनी प्लांट के, इससे पहले मैं व्हाइट वेराइटी भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और आज मेरे पिंक वेराइटी भी फ्लावरिंग शुरू कर चुका है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत सारे फूल खिलते हैं एक साथ। और सामने ही है मेरे सनफ्लावर प्लांट जो बहुत सारे फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी, और उसके सामने है मेरे डबल चांदनी के एक प्लांट जो बहुत ही बड़ा हो चुका है। अभी मैं इसे कटिंग के थ्रू ग्रो किया था और बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ। मेरे प्लांट पे बहुत सारे बर्ड्स थे जो अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। पास है मेरे दो कांचन प्लांट, दोबारा इसमें बहुत सारे फूल आया है, वाइट कलर में फ्लावरिंग कर रहा है। ये है एक एलावेंडा की वैरायटी। मेरे पास एलावेंडा के चार वैरायटी है जो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हूँ। उनमें से एक वैरायटी है जो आज दोबारा फ्लावरिंग कर रहा है, और मेरे येलो और रेड वैरायटी भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये है मेरे येलो वैरायटी, ये भी फ्लावरिंग शुरू कर चुका है, बहुत सारे बर्ड्स आए हैं। मैं इन सब प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया हूँ। और इसके पास जो अभी मैं पहले बार ग्रो किया हूँ मेरे गार्डन में, ये है मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट, दो कलर में फ्लावरिंग कर रहा है। मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट पे फ्लावरिंग जो होते हैं वो सुबह के वक्त होते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग पे ही फ्लावरिंग खिल जाते हैं और सुबह के 8 से 9 बजे के अंदर ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे धूप निकलते रहते हैं उसके बाद ही फ्लावर धीरे धीरे से मुरझाना शुरू होता है। तो देखिए कितने सारे फूल खिले हैं, और मैं इन सभी प्लांट को प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर ग्रो किया हूँ। ये बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है और किसी प्रकार पेस्ट का अटैक नहीं है मेरे इन प्लांट पे। और उसके पास है मेरे एक नया हिबिस्कस के वैरायटी जो मैं लास्ट वीडियो पे शेयर किया हूँ। इनमें आज दोबारा 4 या 5 फूल खिले हैं और बहुत सारे बर्ड्स है। एक नया प्लांट है जिसको मैं बस्ते के अंदर ग्रो किया हूँ। और उसके पास है मेरे एक एक्सोरा के वैरायटी जो पिंक कलर में फ्लावरिंग करते हैं। ये दोनों ही मैं कटिंग से ग्रो किया था और इससे पहले एक बार फ्लावरिंग हो चुका है, और दोबारा आज बर्ड्स आए हैं और फ्लावरिंग शुरू कर रहा है। और गाइज ये है मेरे चीकू के प्लांट जो 2.5 साल पुराना प्लांट है, और इस साल मेरे प्लांट पे बहुत सारे चीकू लगे हैं और दोबारा फ्लावरिंग भी शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो मेरे जो प्लांट है ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है और 16 इंच पॉट के अंदर लगा हुआ है। और कल ही मैं कैरी के अंदर कटिंग ग्रो किया हूँ अदरक के, तो अदरक के कटिंग ग्रो करने के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अदरक के कटिंग ग्रो कर सकते हैं और इससे बहुत सारे अदरक आप पा सकते हैं। और उसके सामने है मेरे, देखिए, सीड से ग्रो किया हुआ कुछ एडेनियम के प्लांट। तो एक प्लांट का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बाकी दो प्लांट का ग्रोथ सही नहीं है। और यहाँ पर है मेरे यूफोर्बिया मिली के प्लांट जो बहुत तेज़ बारिश होने के कारण इसके ग्रोथ थम चुका है। और एक मेरा प्लांट जो बहुत ही बड़ा था, पुराना था, वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। और ये है मेरे बोगनविलिया के एक वैरायटी जिसको मैं बॉन्साई बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे बोगनविलिया के प्लांट्स हैं, मतलब एक ही वैरायटी है जिसको मैं कटिंग के थ्रू बहुत सारे बना चुका हूँ। और मेरे कैरी के अंदर है कुछ वेजिटेबल प्लांट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बाई साइड पे बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स हैं, मतलब करेला, रिज गॉर्ड, मलाबार स्पिनच जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो अभी बरसात के मौसम में मुझे मिल रहा है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से करेला बनना शुरू हो चुका है, हालांकि बहुत पुराना प्लांट है मेरा, 3 महीने के ऊपर हो चुका है और मुझे बहुत सारे करेला मिलना शुरू हो चुका है, और रिज गॉर्ड भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अभी भी करेला और रिज गॉर्ड को ग्रो कर सकते हैं, या फिर मलाबार स्पिनच भी ग्रो कर सकते हैं। अभी बारिश के मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। तो मलाबार स्पिनच जो आप देख पा रहे हो, मैं एक भी प्लांट ग्रो नहीं किया हूँ, सभी प्लांट मेरे अपना आप ही ग्रो हो चुके हैं। तो मलाबार स्पिनच जैसे प्लांट अगर आप एक बार ग्रो कर लिए तो आने वाले हर साल आपको फ्री में ही प्लांट मिलता जाएगा। और यहाँ पर है मेरे कुछ कटिंग ट्रे जिसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करूँगा पूरी अपडेट के साथ। और इसके पास है मेरे एक प्लूमेरिया के वैरायटी, प्लूमेरिया पुदीका,
जो व्हाइट कलर में फ्लावरिंग करती है और बहुत सारे फूल खिलते हैं इस बरसात के मौसम में। और प्लांट मेरा बहुत ही बड़ा हो चुका है, 8 फीट के ऊपर हो चुका है और इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं अभी। और ये है मेरे एक मैंगो के प्लांट जिसके बारे में मैं ऑलरेडी शेयर किया हूँ, बहुत सारे मैंगो लगे थे इस साल और हालांकि सभी मैंगो ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो चुका है और कुछ ही बाकी है। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरे गार्डन का एक छोटा सा अपडेट जो मैं शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय।